सो नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू 3D. इंट्रोडक्शन टू 3D देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और वैसे भी आपके पास अभी 11th क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा. देखो इसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है अगर आपके पास एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, अगर ए के जो एक्सिस है वो x1 y1 है और जो बी के एक्सिस है वो x2 y2 है, तो वहां पर आप दोनों का क्या निकाल सकते हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि किसके इक्वल आता है, वो आता है अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस का z1 z2 का होल स्क्वायर. मींस यहां पर आपको 3D है ना, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला था पहले भी करके आ चुके हो, लेकिन वो 2D में था, 3D में आपको क्या आ जाएगा, x1 y1 और z1 मींस आपके उसके क्या होंगे, 3 पॉइंट होंगे. तो आप तीनों को या तो तीनों को प्लस कर दो या तीनों को ही क्या कर दो, माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा. आगे बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको दो, अगर एक लाइन है उसमें आपको x1 y1 z1 ए पॉइंट के पॉइंट दे दिए और बी पॉइंट है उसके x2 y2 z2 आपको तीन क्या कर दे दिए कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो अगर आपको उसको मिड पॉइंट निकालना है या बीच में कोई भी जनरल पॉइंट निकालना है, तो P कोई भी पॉइंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो P is equal to mx2 plus का nx1 upon n plus का 1, और जो y पॉइंट होगा वो ऐसे ही my2 plus का ny1 upon m plus का 1, और जो z पॉइंट होगा वो होगा mz2 plus का nz1 upon m plus का 1, और जो m है, m मतलब कि जो a और p के बीच का डिस्टेंस है, और n मतलब कि जो b और p के बीच का डिस्टेंस है. ये सब वैल्यू रखने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, आप अपना किसी भी जनरल पॉइंट P में बीच में क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके पॉइंट निकाल सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल, सॉरी सर्कल कह रहा हूँ, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी x1 y1 z1 फर्स्ट वर्टेक्स मतलब पॉइंट है, सेकंड x2 y2 z2 हो गया, और थर्ड आपका क्या हो गया x3 y3 और z3 आपकी क्या होगी वर्टेक्स होगी आपकी ट्रायंगल की. तो ये फॉर्मूला यूज करके मीन्स x1 प्लस का x2 प्लस x3 y3 और ऐसी y और ऐसी z रेस्पेक्टिव में यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, सेंट्रोइड निकाल सकते हो ट्रायंगल के, जो कि बीच के क्या होता है, सेंट्रोइड का मतलब जो ट्रायंगल के बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है वो. और यहां पर एक रिलेशन आता है, एक पॉइंट आता है मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि क्या होता है, डी डिवाइड्स पीसी इन द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ए बी रेशो ए सी. मीन्स अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और मैं क्या डालू, ए पी एक लाइन डाल दू किस पर, बी सी पर, तो जो ए पी मेरी लाइन होगी, जो बीच में लाइन है ए डी, वो किस, जो ए सी, जो बी सी पूरी लाइन है उसको ए बी रेशो ए बी सी ए सी में क्या करेगी, डिवाइड करेगी. ये सब कुछ आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू 3D. देखो आपके पास अभी क्लास 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो यहां से आपका एक सेक्शन फॉर्मूला और साथ साथ आपका सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल, बस ये चीजें निकालने को ही आती है. 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा का नंबर का क्वेश्चन भी नहीं आएगा. आप डिस्टेंस फॉर्मूला याद रख लेना, सेक्शन फॉर्मूला याद रख लेना, ये आपके लिए काफी, मतलब कि बस पूरे चैप्टर में फुल मार्क्स लाने के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा. ये सब कुछ ज्यादातर आपका रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू 3D.